नमस्कार दोस्तों, टारगेट टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैं DRDO के और दोस्तों जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, उन सब के में दोस्तों मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन दोस्तों आपके पास लेके आ रहा हूँ, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों मैं ऐसे दोस्तों मैं क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों लाऊँगा, बस दोस्तों आप अपना सहयोग मुझे दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी। और दोस्तों मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा और आपके पास और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बाएं हाथ के नियम में तर्जनी हमेशा इंगित करती है। दोस्तों इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत चुंबक में 50 फेरे हैं जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है। यदि चुंबकीय परिपथ की लंबाई 200 मिलीमीटर है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा 250 एम्पियर बाई टर्न। सो अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाला चुंबक जिसकी पोल क्षमता 1×10 वेबर है एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 20 मिलीमीटर है, हवा में इकाई पोल से 100 मीटर की दूरी पर क्षमता क्या है? दोस्तों इसका आंसर बताइए। सो आंसर दोस्तों आपको दिख रहा है, दोस्तों इसका आंसर होगा 6338 न्यू वेबर। तो अगला क्वेश्चन है, सामग्री की रिटेंटिविटी किसके निर्माण के लिए उपयोगी होती है? दोस्तों इसका आंसर बताइए। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, दोस्तों ऑप्शन को मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा स्थायी चुंबक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामग्री पराचुंबकीय है? दोस्तों इसका आंसर बताइए, दोस्तों इसका आंसर होगा चांदी तांबा। सो अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर बताइए, दोस्तों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों जैसे ये जनरेटर में भी, लाउडस्पीकर में भी, मोटर में भी, सभी में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा दोस्तों वेबर। सो अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है? दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा दोस्तों आवेशहीन होता है दोस्तों। सो अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? जो इसका आंसर बताइए, आंसर दोस्तों का आयन। सो अगला क्वेश्चन है, अच्छी चुंबकीय मेमोरी हेतु प्रयुक्त पदार्थ में होनी चाहिए? तो इसका आंसर बताइए, आंसर होगा उच्च रिटेंटिविटी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रिलैक्टेंस की इकाई है? इसका आंसर होगा एम्पियर टन प्रति वेबर। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वप्रेरण अधिक है तो? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा नियत धारा स्थापित करने में देरी होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निम्न के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निम्न के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा लेंज के नियम द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, मृदु चुंबकीय पदार्थ रखता है? तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर होगा दोस्तों उच्च पारगम्यता तथा निम्न कोअर्सिव। अगला क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एक चालक में EMF प्रेरित होता है जब यह
फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एक चालक में ईएमएफ प्रेरित होता है जब यह, तो इसका उत्तर बताइए। दोस्तों इसका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि दो चालकों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो वह, यदि दो चालकों में परस्पर विपरीत दिशा में धारा बह रही है तो वह, आंसर दोस्तों दो चालकों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक 100 लपेटा वाली कुंडली का प्रेरकत्व 6 mH है, यदि लपेटाओं की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी जाए और बाकी मात्राएं वही हों तो प्रेरकत्व होगा। दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा 24 mH। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व की बीमा होगी, प्रेरकत्व की बीमा होगी। दोस्तों इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फ्लक्स बाई धारा। तो अगला क्वेश्चन है, दो प्रेरकों का स्व प्रेरकत्व क्रमशः 9 mH तथा 25 mH है, उन दोनों के बीच अन्योन प्रेरकत्व 12 mH है, तदनुसार उन दोनों प्रेरकों के बीच प्रेरित युग्मन का गुणांक कितना होगा। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 1.25। दोस्तों मैं इसका सॉल्व आपको इमेज के द्वारा बता दूंगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन संबंधित हैं दोस्तों, मैं आपको इमेज के द्वारा दोस्तों आपको दिखा दूंगा वीडियो में। दोस्तों इसका सॉल्व दोस्तों मैं इसमें लिख नहीं पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। दोस्तों मैं आपका इमेज दोस्तों आपको मैं दिखा दूंगा, दोस्तों आप परेशान मत होइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र की उदित करने के बाद लौ में बचा चुंबकत्व हटाना कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा रेजिडुअल चुंबकत्व। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों और अगर समझ में आए हों दोस्तों, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए।